What's up guys, welcome to my YouTube channel। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यार, यहाँ पे आज हमने काफी मोटा खर्चा कर रखा है। कितने सारे मॉन्स्टर ट्रक खरीद रखे हैं यार हमने। वैसे दोस्तों, ये वाली ट्रिक आप लोगों को भी पता होगी कि एक से ज्यादा व्हीकल हम लोग कैसे खरीद सकते हैं। इसकी जो ट्रिक है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं जानते तो आज के इस गेम प्ले वीडियो में भी मैं वो वाली ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अनलिमिटेड कोई भी व्हीकल को परचेज कर सकते हो। अरे वाह रूपीरू, इतने सारे मॉन्स्टर ट्रक, यार एक मॉन्स्टर ट्रक मुझे भी दे देना रूपीरू। यार सुपर हीरो, तुम्हारी ये मांगने वाली आदत ना मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती है यार। कहीं भी कोई चीज दिखती है बस तुम तो मांगना शुरू कर देते हो। मेरे भाई, मांगने से ना इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, है मांगने से नहीं मिलता तो फिर कैसे मिलता है रूपीरू? जीतने से मिलता है छोटे, जीतने से। तू मेरे साथ एक चैलेंज में जीत के दिखा, अगर तू जीत जाएगा तो मैं तुझे एक मॉन्स्टर ट्रक फ्री में दे दूंगा। तो फिर जल्दी से इस चैलेंज को स्टार्ट करो, मैं अभी तुम्हें हरा देता हूँ। तो ये लो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मॉन्स्टर ट्रक के पास में, और ये जो मॉन्स्टर ट्रक है जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये है स्टार्टिंग वाला मॉन्स्टर ट्रक इस लाइन का, और जो एंडिंग मॉन्स्टर ट्रक है वहां तक हमें इस तरीके से जंप करते हुए जाना है। ओ भाई यार, मैं तो फर्स्ट टाइम ही गिर गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे पास में टोटल 3 लाइफ है, तो फर्स्ट लाइफ तो हमने गवा दी है, लेकिन भाई बिना जमीन पे गिरे हमें एंडिंग वाले मॉन्स्टर ट्रक पर पहुंचना है। तो चलो अभी सेकंड चांस है अपना, तो यहां तक तो आ गए, चलो यहां भी आ गए, लगता है इस बार तो मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा। और ये देखो दोस्तों, और ये लो दोस्तों, ओ भाई यार ये क्या, यार मैं तो फिर से गिर गया। नहीं यार दोस्तों, अभी तो हमारी 2 लाइफ वेस्ट हो चुकी है, अब हमारे पास में सिर्फ लास्ट चांस है। यार ये क्या हो रहा है दोस्तों, हम हाफ ऑफ द लाइन पहुंच गए थे लेकिन पता नहीं अचानक से कैसे गिर गए, लेकिन चलो कोई नहीं, ये लास्ट चांस है। इस बार भाई हमें एंडिंग पॉइंट तक पहुंचना होगा, वरना हम इस चैंपियनशिप में हार जाएंगे। और ये लो दोस्तों, अभी हमने वापस से जंप करना स्टार्ट कर दिया है। ओ भाई यार, ये वाला जंप इतना बड़ा कैसे हो गया है? नहीं यार दोस्तों, हम हार गए इस चैंपियनशिप में। अब भाई सुपर हीरो की बारी है। यार मैं यहां से जंप करके वहां तक नहीं पहुंच पाया, देख रहे हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, अभी हमें साइड में होना होगा, और अब सुपर हीरो की बारी। जिसने ये चैलेंज बनाया वो इस चैलेंज में हार गया, मजा ही आ गया। दोस्तों अब मेरी बारी है, मेरे पास में भी 3 लाइफ है, लेकिन यार रोपीरो नहीं कर पाया, मैं कैसे करूंगा? चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं, अगर जीत गए तो मॉन्स्टर ट्रक मिलेगा। ओ भाई यार ये तो काफी इजी है, मैं तो बड़ी आसानी से कर लूंगा, देखो मैं यहाँ तक आ गया। ओ भाई 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 भाई, अभी चांस है, अभी मैं भाई मॉन्स्टर ट्रक के टायर पर ही खड़ा हूँ, तो अभी मतलब मैं हारा नहीं हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, वापस से ट्राई करते। और ये लो भाई यार, अब हार गया। चलो कोई नहीं, अभी हमारे पास में 2 लाइफ और बची है, अगर मैं फर्स्ट लाइफ में इतनी दूर आ गया तो सेकंड लाइफ में तो मैं विनरी बन जाऊंगा, मुझे पक्का पता है। आज तो मैं मॉन्स्टर ट्रक लेके ही जाऊंगा यहाँ से, तो चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। और ये लो, एक मॉन्स्टर ट्रक, 2 मॉन्स्टर ट्रक, और ये तीसरे मॉन्स्टर ट्रक पे पहुंच गया भाई मैं, और ये चौथे पे, और भाई ये पांचवे पे, दोस्तों लगता है मैंने इसी बाजी जो ये छठे पे, और ये एंडिंग वाला, ये फाइनली दोस्तों हम विनर बन चुके हैं इस चैंपियनशिप के। पूरे के पूरे 8 मॉन्स्टर ट्रक पर हम जंप करते हुए आ गए हैं, ये आखिरी वाला था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई 8 ही थे, वो मैंने स्टार्टिंग वाला नहीं काउंट किया था, लेकिन चलो कोई नहीं, हम तो विनर बन गए कैसे भी बोलो भाई, सेकंड लाइफ में ही जीत गए। रो फिर तो 3 लाइफ लगा कर भी नहीं जीत पाया, ये अब मैं यहाँ से एक मॉन्स्टर ट्रक लेके जाने वाला हूँ। अरे रोपीरो, अभी मुझे रास्ते में भाई सुपर हीरो मिला था, वो भी मॉन्स्टर ट्रक लेके। मैंने पूछा चिंदी चोर, तू कहाँ से लाया मॉन्स्टर ट्रक? तो उसने कहा कि मुझे रोपीरो ने गिफ्ट किया है। यार सुना है आज तुम काफी सारे लोगों को गिफ्ट दे रहे हो मॉन्स्टर ट्रक, एकदम मुझे भी दे दो। वैसे सच में यार तुमने तो इतने सारे मॉन्स्टर ट्रक खड़े कर रखे हैं, आखिर आए कहाँ से तुम्हारे पास इतने सारे? अरे यार भाई एक काम कर, ये सारे के सारे मॉन्स्टर ट्रक तू ले जा, मैं तो परेशान हो गया हूँ मांगने वालों से, जो भी आता है मांगने लग जाता है। एक काम कर, तू ही ले जा यार ये सारे के सारे। तुम सच कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे ना, मैं सच में सारे मॉन्स्टर ट्रक ले जाऊँ? ले जाओ। हाँ भाई ले जा, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले तुझे मुझे रेस में हराना होगा। चल मॉन्स्टर ट्रक से रेस लगाते हैं दोनों भाई, अगर तू जीता तो मैं ये सारे मॉन्स्टर ट्रक तुझे दे दूंगा, और अगर तू हारा तो तू मुझे क्या देगा? मैं और हार जाऊं वो भी रेस में, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। रोपीरो मैं एक बार तो फाइट में हार सकता हूँ, लेकिन रेस में कभी नहीं हार सकता, मुझसे बड़ा रेसर तो कोई है ही नहीं। अच्छा तो चल फिर आज यही देखते हैं, सबसे बड़ा रेसर तू है या फिर मैं हूँ। तो चलो दोस्तों जल्दी से रेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इन मॉन्स्टर ट्रक में से एक मॉन्स्टर ट्रक तो हमने ले लिया है, और एक दे दिया है भाई हमारे न्यू रोपीरो को रेस करवाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं रेसिंग ट्रैक पे। तो ये लो दोस्तों, हम स्टेडियम से बाहर आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं रेसिंग ट्रैक पे। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं हमारा रेसिंग ट्रैक। तो ये लो दोस्तों, हम आ चुके हैं रेसिंग ट्रैक के एंडिंग पॉइंट के काफी क्लोज। जी हां दोस्तों, हमारे रेसिंग ट्रैक का एंडिंग पॉइंट यहीं पर है। ये देखो जहां पे पुलिस की गाड़ी रुकी हुई है,
ये जी हाँ दोस्तों, ये है रेसिंग ट्रैक का एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो ये जो ट्रैफिक लाइट है ना, बस यही है एंडिंग पॉइंट। जो भी व्हीकल सबसे पहले इस लाइट को क्रॉस करेगा ना, वही होगा इस रेस का विनर। तो दोस्तों यहाँ पे आके हमारी रेस एंड हो जाती है, और स्टार्ट कहाँ से होती है वो भी दिखाता हूँ। हमारी इस रेसिंग ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके चलता हूँ मैं आपको, जहाँ पर अभी हमारा ये व्हीकल दौड़ रहा है ना मॉन्स्टर ट्रक, यही है हमारा रेसिंग ट्रैक। और अभी हम जा रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट, क्या खतरनाक टक्कर हुई है। लेकिन चलो कोई नहीं, हमारा मॉन्स्टर ट्रक बढ़िया बैलेंस बना लेता है तुरंत ही। तो ये लो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे ड्रेसिंग ट्रैक के। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो एक ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, जैसे एंडिंग पॉइंट पे लगी हुई थी सेम टू सेम यहाँ पे भी है। तो इस ट्रैफिक लाइट को हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हमारी रेस स्टार्ट होती है और एंडिंग पॉइंट पे जाकर विनर डिसाइड हो जाता है और रेस खत्म हो जाती है। तो चलो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इंतजार करना है कुछ देर के लिए, जब तक टिप्सन दादा और वो न्यू रोफ हीरो भी आ जाता है, क्योंकि आज की रेस को होस्ट करेंगे हमारे टिप्सन दादा। तो दोस्तों आज हमारे पास एक तरफ है रोफ हीरो, तो दूसरी तरफ है न्यू रोफ हीरो। दोस्तों आज की ये रेस काफी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आप सबका दोस्त टिप्सन मैं आ गया हूँ आज की इस रेस को होस्ट करने के लिए। वैसे आज की ये रेस व्हीकल्स की रेस नहीं है, दोनों ड्राइवर्स की रेस है। तो देखते हैं न्यू रोफ हीरो जीतता है या फिर ओल्ड रोफ हीरो। तो चलिए जल्दी से इस रेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये लो दोस्तों, ये रेस स्टार्ट हो चुकी है, और स्टार्टिंग में भाई दोनों के दोनों व्हीकल्स बराबर चल रहे हैं। न्यू रोफ हीरो और ओल्ड रोफ हीरो दोनों के मॉन्स्टर ट्रक सेम स्पीड में और बराबर दूरी पे है। लेकिन ये क्या दोस्तों, मुझे लगता है न्यू रोफ हीरो का व्हीकल थोड़ा आगे निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, न्यू रोफ हीरो का जो मॉन्स्टर ट्रक है वो आगे निकल गया और विनर भी बन गया। चलिए दोस्तों एक बार वापस से स्लो मोशन में बैक लेके देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों, स्लो मोशन में हम देख सकते हैं कि न्यू रोफ हीरो सबसे पहले क्रॉस करता है एंडिंग पॉइंट को, और बाद में पहुंचता है ओल्ड रोफ हीरो का मॉन्स्टर ट्रक। तो यहाँ पे दोस्तों न्यू रोफ हीरो विनर बन चुका है इस रेस का। हालांकि इस रेस के अंदर ना कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था भाई, बस मामूली सा अंतर था। मामूली से अंतर से ही न्यू रोफ हीरो इस रेस का विनर बन गया है और ओल्ड रोफ हीरो इस रेस में हार गया है। वैसे भी यार न्यू रोफ हीरो जो है, इसके पास में एक सुपर स्पेशल क्वालिटी है ये, कि इसके हर व्हीकल का ना स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। जी दोस्तों, ये इसके अंदर ना एक खूबी है, इसके अंदर ये एक सुपर पावर है कि न्यू रोफ हीरो जिस भी व्हीकल में बैठता है उसकी स्पीड अपने आप ही मैक्सिमम हो जाती है बाकी दूसरे के कंपैरिजन में। तो बस यार दोस्तों, इस रेस के अंदर तो न्यू रोफ हीरो जीत गया है और ओल्ड रोफ हीरो हार गया है। अब ओल्ड रोफ हीरो को अपने सारे के सारे मॉन्स्टर इस न्यू रोफ हीरो को देने पड़ेंगे। यार दोस्तों, मुझे तो लगता है आज ना मेरा दिन ही खराब है। पहले तो सुपर हीरो से हार गया मैं जंपिंग चैंपियनशिप में, और अभी इस न्यू रोफ हीरो ने आके मुझे हरा दिया। अब मुझे ये सारे के सारे मॉन्स्टर ट्रक ना उस न्यू रोफ हीरो को देने पड़ेंगे, क्योंकि यार पहले शर्त ये लगी थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे पास तो एक ट्रिक है जिससे हम और मॉन्स्टर ट्रक ला सकते हैं अपने लिए। तो चलो यार दोस्तों, वही ट्रिक मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, जिससे आप भी ना अनलिमिटेड मॉन्स्टर ट्रक या कोई भी व्हीकल खरीद सकते हो। तो दोस्तों नॉर्मली होता क्या है, हम एक व्हीकल परचेज कर लेते हैं, तो उसे परचेज करने के बाद में हम दोबारा उस व्हीकल को परचेज नहीं कर सकते। लेकिन मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ, उससे आप सेम व्हीकल को जितना चाहे उतनी क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम आगे मॉन्स्टर ट्रक पे इसे परचेज करके ऑर्डर मंगवा लेते हैं। तो चलो जल्दी से इसको ऑर्डर करते हैं। तो ये लो दोस्तों, हमने ऑर्डर किया और यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक आ गया। तो अभी हमें इस मॉन्स्टर ट्रक के बाद में एक और मॉन्स्टर ट्रक चाहिए, तो उसके लिए हमें इसे ऐसे उठाना होगा, और उठा के भाई फेंकना नहीं है, फेंकेंगे तो ये मॉन्स्टर ट्रक ब्लास्ट हो जाएगा। हमें इसे उठा कर ना अपने आप को जंप करवाना है, ताकि ये मॉन्स्टर ट्रक साइड में गिर जाए हमारे हाथों से। तो देखो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे जंप करेंगे। ये देखो, जंप करते ही ये साइड में गिर गया ना, तो अब हम स्टोर में जाके ना एक और मॉन्स्टर ट्रक परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होगा। अभी देखना, अभी हम शॉप में चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं शॉप में। यार ये एड काफ़ी आने लग गए आजकल, तो चलो कोई बात नहीं, इसे हटा देते हैं। ये लो दोस्तों, एड हट गया और अभी हम शॉप में आ गए हैं, व्हीकल्स पे चलते हैं। तो अभी व्हीकल्स में आ गए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रहा, और ऑप्शन भी है ऑर्डर करने का, ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलो यहाँ से एक और ऑर्डर करते हैं। तो ये लो दोस्तों, हमने एक और मॉन्स्टर ट्रक मंगवा लिया। तो बस ओ भाई, ये तो इसके ऊपर आके गिर गया, अब हम इसको उठाएंगे कैसे? दोस्तों देखो, अगर इसे बिना उठाए हम शॉप में जाएंगे ना, तो वहां पे हमें नया ऑप्शन नहीं मिलेगा नया मॉन्स्टर ट्रक मंगाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये देखो अभी हम शॉप में आ गए हैं और यहाँ पे व्हीकल्स पे चल के अगर चेक करेंगे ना, तो हमें मॉन्स्टर ट्रक नया ऑर्डर करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ये देखो ऑप्शन लॉक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, उस नए ऑर्डर को उठाना होगा, और वो उठेगा कैसे भाई, ये तो इसके ऊपर गिरा हुआ है। लेकिन चलो कोई नहीं, इसमें बैठते ये लो साइड में लुढ़क गया। लेकिन यार ये उल्टा हो गया, इसे सीधा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें इस मॉन्स्टर ट्रक को साइड में हटाना होगा। तो यार इसे हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है?
नहीं यार इसको थोड़ा इधर, इससे भाई अगर इस मॉन्स्टर ट्रक से इसको हम टक्कर मारेंगे तो क्या ये सीधा होगा? नहीं होगा भाई, उससे तो सीधा हमें किक से ही करना होगा। लेकिन चलो कोई नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। अरे भाई ये तो बिल्कुल भी सीधा नहीं हो रहा, घिसता जा रहा है भाई जमीन पे ही। तो चलो कोई नहीं, इसे यहाँ पर हम साइड में लगा देते हैं और उसके बाद में उसको सीधा करते हैं। तो चलो पहले अपनी इस लाइन को कम्प्लीट करते हैं। तो ये लो, लाइन को कम्प्लीट करने के लिए इसे हम यहाँ खड़ा कर देते हैं। हाँ अब बिल्कुल सही है। तो चलो अब इसे भी सीधा करते हैं। ओ भाई यार ये क्या, किक के साथ में तो हम ही गिर गए यार। इसे किक मारने के चक्कर में हमारा पैर ना टूट जाए भाई। यार ये काफी ज्यादा मजबूत व्हीकल आता है, देख लो भाई सीधा ही नहीं हो रहा, वरना इतनी किक मारने के बाद ना किसी भी व्हीकल से धुआं निकल जाती। लेकिन यार ये कितना पावरफुल आता है। ये भाई फाइनली हमारी इस वाली किक में ये सीधा हो गया है और इसे हमने उठा लिया, उठा के यहाँ फेंक भी दिया। तो चलो अब इसे भी इस लाइन में लगा देते हैं। तो दोस्तों ये वो ट्रिक थी जिससे आप जितने चाहे उतने व्हीकल्स को परचेज कर सकते हो, एक जैसे व्हीकल सारे परचेज कर सकते हो या फिर अलग अलग भी परचेज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये सेम ही ट्रिक यूज करनी होगी, जिस भी व्हीकल को परचेज करो उसे पहले उठाओ, उठाकर फेंको और फेंकने के बाद में नया व्हीकल ऑर्डर कर लो। कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो उतने व्हीकल्स मंगवा सकते हो। यहाँ पे देखो यार हमने भी मॉन्स्टर ट्रक की लाइंस लगा रखी है। तो इसी तरीके से आप भी अपने गेम प्ले में लाइन लगा दो भाई, जितने व्हीकल चाहिए उतने की लाइन लगा दो। हाँ ये वाली ट्रिक ना अपने न्यू रोप हीरो और अपने भाई सुपर हीरो को पता नहीं लगनी चाहिए, ये सिर्फ अपने रोप हीरो टिप्सन दादा तक ही रहनी चाहिए। तो बस यार दोस्तों आज की गेम प्ले वीडियो में इतना ही। कैसी लगी यार आज की ये गेम प्ले वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।